इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम मौसम सरमा इजलास यानी कि अधिवेशन का अख्ताम अमल में आया। तमाम सत्ताधारी और विपक्ष ने अपने अपने तौर पर बयानबाजी करते हुए एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। भाजपा ने इसे कामयाब इजलास के तौर पर पेश किया तो कांग्रेस ने इसे मजहब तब्दीली कानून की साजिश को अंजाम देने के लिए अधिवेशन बुलाने की बात कही और कहा कि जबरन इस कानून को मंजूर किया गया। कांग्रेस ने इस बात को भी दोहराया कि जब कांग्रेस की हुकूमत इख्तदार पर आएगी तो इस कानून को दोबारा रद्द किया जाएगा। खैर, जब हुकूमत पर आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा अपने तौर पर कोई भी बिल मंजूर कर सकती है। इसे कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि इनके पास आंकड़े हैं जिसके बिना पर फैसले लिए जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। और इस बात का एहसास जरूर होता है कि भाजपा इन्हीं आंकड़ों के जोर पर मनमानी करती रहती है, भले ही मुखालिफत में आप कितने भी जोर से किसी बिल की मुखालिफत करें। इससे पहले भी हमने इस पर बात कही थी। सबसे अफसोसनाक पहलू यह रहा कि मुसलमानों की जानिब से कोई वफद वहां नजर नहीं आया। यकीनन मुसलमानों की बातों को सुनना और खासकर भाजपा हुकूमत किसी तरह की उम्मीद बेकार नजर आती हो, लेकिन अगर हम इस जमहूरी दायरे में इसी निजाम का हिस्सा है तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए थी, जिसकी कमी शिद्दत से महसूस की गई। क्या वाकई मुसलमानों के कोई मसले है या नहीं, ऐसा भी लगना जरूरी हो गया, क्योंकि सबसे मजलूम तरीन कौम सबसे खामोश है। हर रोज सैकड़ों लोग अपनी फरियाद हुकूमत के सामने लिए मुतालबात पेश कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों का तो कोई मसला है ही नहीं। कुछ लोगों ने पिछली मरतबा जब हमने इसी मौजू पर बात कही थी कि मुसलमान सब कुछ अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रखता है, अब इस बात पर क्या जवाब दिया जाए। यकीनन मुसलमानों का मुहाफिज और मददगार सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन जमहूरी निज़ाम के तहत हमारे तहफ़ हमारे दीनी दायरे हम पर हो रहे जुल्म ज्यादती पर फरियाद जरूर करनी होगी। जब हुकूमत की जानिब से अजान के स्पीकर निकालने का या फिर तोड़ कर फेंकने के बाद बेखौफ फिरका परस्त करते रहते हैं तो हम पलट कर जवाब इन्हें क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हमारे दीनी रहबर या सियासी लीडर इन हुकूमतों को जाकर मुसलमानों के किसी भी दीनी मजहबी मामलात में दखल अंदाजी ना देने की मांग क्यों नहीं करते? और क्या हमारे अमाल इस हद तक हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या हमारे अमाल इस हद तक हैं जिससे अल्लाह राजी होकर आसमान से फरिश्ते नाजिल करेगा? ताज्जुब लगता है, कुछ भी कह देते हैं। मतलब पूरी कौम में मुस्लिम ने यह सोच रखा है कि हम कुर्बानी नहीं देंगे, लेकिन इनकलाब जरूरी है। जैसे अक्सर कहते हैं कि टीपू सुल्तान की जरूरत है, लेकिन टीपू सुल्तान हमारे घर में पैदा ना हो बल्कि पड़ोस के घर में पैदा हो। लिहाजा एक बार फिर इस बात का एहसास हुआ कि मुसलमानों को मस्त जीने की आदत पड़ी हुई है, जिस्म पर खराश भी ना हो, यह निजाम तब्दील हो जाए, हम ऐशो आराम की जिंदगी जिए, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम थम जाए। मतलब यह है कि मुस्लिम माशरे का तहफ्फुज़ ही पहले नंबर पर है, और तहफ्फुज़ घरों में बैठकर नहीं होता। जब हरिद्वार में मुसलमानों को कत्ल करने की खुलेआम चुनौती दी जा रही है, कम से कम अपनी दिफा में मुल्क हिंद के संविधान के तहत ही क्यों ना पूछी जाए। आखिर उस मुल्क का संविधान क्या किसी अकलियती माशरे के कत्ल गारत गिरी का हुक्म देता है? अगर नहीं तो इस मुल्क की हुकूमतें जो इख्तदार पजीर है इन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती, और इसका सवाल कौन पूछेगा? अब इस मुल्क के मुसलमानों पर कितना मातम करे कम है, खुलेआम खून खराबे की बात करने वालों पर मामूली एहतजाज तक नहीं करते। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बात की कि वो उकसाते हैं तुम्हें इनके बयानात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क का संविधान जब हमें फिरका परस्त के खिलाफ एहतजाज और इन पर कानूनी कार्रवाई की इजाज़त देता है तो फिर पूरा का पूरा माशरा खामोश क्यों है? फिरका परस्त ने तो संविधान खत्म करने की बात कहते हुए मनुस्मृति को लाने का ऐलान किया है, लेकिन संविधान को मानने वाले मुसलमान ईसाई सिख दलित सभी क्यों आवाज नहीं उठाते? जब रियासती सतह का अधिवेशन बेलगाम में होता है तो पूरी रियासत से कोई भी मुस्लिम तंजीम इदारे ने क्यों कुछ नहीं कहा? मतलब अब कुछ कहने की भी ताकत हमारे माशरे में नहीं रही, यही साबित होता है। लिहाजा यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी की तरह आने वाली नस्ल तुम्हें कोसेगी, जबकि तुम अपने औलाद अपनी जायदाद मिल्कियत के खातिर बुजदिली का मुजारा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हर एक को यही लग रहा है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर पुलिस थाना जेल खामखा क्यों किसी झमेले में पड़ना है? जुमा के रोज 10 रुपए मस्जिद के डब्बे में डालो और बरी हो जाओ। लिहाजा और इसी नहज पर पूरा माशरा चलता देखा जा रहा है। मनसूबाबंदी क्या है, फिरासत क्या है, मकसद हयात क्या है, इसका किसी तरह का एहसास नहीं। मुस्लिम माशरा तो बुराइयों में डूबता जा रहा है,
और उधर दुश्मनों के मशवरे उरूज पर हैं कि इन्हें कैसे खत्म किया जाए। ये और बात है कि इस दीन को ना कोई मिटा पाया और ना मिटा पाएगा, लेकिन तुम्हें बतौर मुसलमान जो किरदार निभाना था वो तुमने कहाँ अदा किया। कुछ महदूद दीनी दायरों को ही हमने ऐसा समझ लिया है जैसे अल्लाह पर हमने एहसान कर दिया हो। किसी गरीब को 10 रुपए भी देते हैं तो उसे 4 लोगों में जलील किए बगैर तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता। जब ईसाइयों के 7 मजहब तब्दीली कानून पर अधिवेशन में मुतालबा देने की बात आई तो ईसाई समाज के कुछ जिम्मेदारान ने हमसे दूरियां बनाने का इजहार किया। दलित हमसे दूर जा चुके हैं, सिख समाज हमारे करीब आना चाहता है लेकिन हम हैं के करीब जाना नहीं चाहते। हमने तो एक दूसरे को ही काफिर कहा है, अब दिगर मजाहिब के लोगों से कहां से हुस्न सुलूक कर पाएंगे। जब हमको हमारी ही आवाज उठाने के लिए फुर्सत नहीं है, दूसरों के एहतजाजात में जाकर कहां हम साथ देंगे। कहने को बहुत कुछ है, किस इंतहा की पस्ती में और गिरते जाएंगे। किसी को तो आगे आना होगा, कहीं तो भी शुरुआत जरूरी है, वरना जिस कदर हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर एक समाज को ही खत्म करने की बात कही जा रही है तो वो वक्त दूर नहीं कि मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के धर्म संसद किए जाएंगे। तुम यूं ही दुनिया संवारते रहना, मोबाइल और टिकटॉक पर नाचते गाते रहना ताकि आने वाली हुकूमतें भी तवायफों की तरह तुम्हें नचाती रहे, क्योंकि जिस कौम को इसकी इज्जत वकार मर्तबे का पासो लिहाज नहीं रहता वो इसी तरह जलील हुआ करती है जैसे मौजूदा दौर में हो रही है। कितनी छोटी सोच लेकर जी रहे हैं। क्या नबी ने यही तालीम दी थी, मुसलमानों की हर गली का जायजा लिया जाए, पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों जमातों मसलकों तंजीम सियासी पार्टियों में भी नफरत, कुछ नहीं बचा। एक बार फिर इस बात को आज अधिवेशन के अख्ताम पर कहने की जरूरत पड़ी। बहुत कम वक्त है, एक बार फिर अजान को लेकर मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन पर आवाजें उठ रही हैं। कुछ लोग तो औकाफ में रजिस्टर की बात कर रहे हैं, पर भाजपा मस्जिदों मुस्लिम इदारों को अपने जेर मातहत रखना चाहती है। वो गया दौर जब औकाफ को मुस्लिम महकमा के तौर पर देखा जाता था, अब तो भाजपा ने खुलकर ही कहा है कि हम आरएसएस के एजेंडे पर हैं। आगे की मुसीबतों को भी समझने की जरूरत है, सरकारी महकमा को या आरएसएस, इस तरह समझ लिया जाए तो गलत ना होगा। खैर, जरूरत है इत्तेहाद की और इसके लिए छोटे छोटे इख्तलाफात को पीछे रखकर आगे बढ़े, क्योंकि इस अधिवेशन में सिर्फ मजहब तब्दीली कानून की ही चर्चा ज्यादा रही लेकिन असल निशाना तो मुसलमान ही है, लेकिन इसका एहसास हमें नहीं, यही सबसे बड़ा अफसोस है। रियासत में जेडीएस का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, कुछ कांग्रेस लीडरों का भी कद अब बढ़ता जा रहा है। भाजपा को बेलगाम में मिली शिकस्त भी आने वाली चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। भले अधिवेशन के आखिरी हिस्से में बेलगाम गांधी भवन में अकलियतों का इजलास रखा गया जिसमें हमारे कदम इत्तेहाद उम्मीद की तरफ उन्वान से किया गया था। खास बात यह भी रही कि खानापुर के अंजलि निंबाड़कर ने जेडीएस के 100 से भी ज्यादा कारकुनों को कांग्रेस में शामिल करवाया, जिससे एक तरह से खानापुर में कांग्रेस की कुव्वत बढ़ती नजर आ रही है। जेडीएस के बड़े कायद और अकलियती चेहरा रियाज अहमद पटेल ने कांग्रेस की शमूलियत अख्तियार की। जाहिर है खानापुर अंजुमन के सदर के तौर पर और मुसलमानों का खास चेहरे के तौर पर रियाज पटेल को देखा जाता है। जेडीएस के बुजुर्ग लीडर के तौर पर भी इनकी मकबूलियत रही, लिहाजा अपने हिमायतों के साथ कांग्रेस रियासती सदर डी के शिवकुमार के हाथों शमूलियत अख्तियार की, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आज बेलगाम में अलबाई के रेस्टोरेंट का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। अलबाई के एक मशहूर नाम के तौर पर देखा जाता है। इसके मालिक ताहिर सराफ ने बताया कि बेलगाम में अलबाई के जायके को आवाम पसंद करेगी, लिहाजा यहाँ की आवाम अच्छे खानों का जायका लेने के आदी है। उम्मीद करते हैं कि अलबाई आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बेलगावी में अलबाइक का ब्रांड इधर लेके आए वो सराफ फूड वेंचर्स, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये रेस्टोरेंट जो अलबाइक है अच्छी तरीके से चले, अच्छी सर्विस दे लोगों को, जो लोग ज़्यादा इधर आते रहे। तो इतना ही कहता हूँ कि अगर इंसान मेहनत को आदत बना ले, अगर इंसान मेहनत को आदत बना ले तो कामयाबी वो मुकद्दर बन जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मेहनत और परिश्रम, सफलता का कोई सूत्र नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन परिश्रम का फल है, ये उनके परिश्रम का फल है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस देम। बरकात हो। मैं सबसे पहले इत्तेहाद न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार मुझे एक बात करने का मौका अदा किया। उसके साथ ही साथ आज का ये जो फंक्शन है, ये अलबाइक जो बेलगाम में इस सतह का पहला होटल है, इसके साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
पुराने ताल्लुकात हैं जावेद भाई, उनके इनके अब्बा से सरफुद्दीन सराफ, जो जंगू सराफ के नाम से जो सोने के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उसके साथ में कंट्रक्शन भी निकाले। उसके साथ ही साथ आज इन्होंने एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छी जगह में एक बेहतरीन होटल जो अलबैक के नाम से शुरू किया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सब टाउन रहे और बहुत अच्छा आज फंक्शन भी हुआ जिसके अंदर बहुत सारे मेहमान भी आए थे। उसके अंदर अभी हमारे, मैं इनके साथ साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद जहूर अहमद और मोहम्मद ताहिर और उनके पूरी फैमिली को, उनके दोस्त अहबाब को, उनके रिश्तेदारों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका भी शुक्रिया। सराफ फैमिली का पहला वेंचर है हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अंदर, हमारी पूरी दिल से इनको मुबारकबादी है कि अल्लाह इसमें इनको कामयाब करे और खूब मेहनत करें। और ये बेलगाम के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एंड ऐसा बेलगाम ब्रांड नहीं था, अपना अलबैक का ब्रांड नहीं था, और इन्होंने इसे पहली दफ़ा बेलगाम में लॉन्च किया है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल देयर फैमिली, एंड वो हमसे बहुत क्लोज़ हैं, एंड हमारी दिल से तमन्ना है, दुआएं हैं कि अल्लाह उन्हें इसमें कामयाब करें। सुपर हाईवे सर्विस रोड शिव बसवा नगर पर यह आउटलेट चालू किया गया है, तो हम लोग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार हमारे आउटलेट पे आइए, टेस्ट कीजिए, मिडल ईस्ट का टेस्ट आप एक्सपीरियंस कीजिए।